हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनीज किचन। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी रेसिपी है ब्रेड से बनी हुई चॉकलेट केक। जैसे कि आप देख पा रही है, जितनी यमी दिख रही है ना, टेस्ट में भी उतनी ही यमी है। तो चलिए स्टार्ट करते आज की रेसिपी। लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। ब्रेड से बनी हुई चॉकलेट केक बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक चॉकलेट सॉस बनाकर रेडी कर रही हूँ। जिसके लिए एक सॉस पैन में ले रही हूँ 1 कप मिल्क, 1/4 कप डाल देंगे चीनी, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1/4 कप से थोड़ा सा कम कोकोआ पाउडर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कोकोआ पाउडर की क्वालिटी आप देख ले, अगर स्ट्रांग वाली हो तो इतना डालें, अगर आपकी कोकोआ पाउडर इतना स्ट्रांग नहीं है तो पूरा 1/4 कप आप डाल सकते हैं। अच्छे से हम इसे मिक्स करेंगे, इसमें गुठलियाँ पड़ने नहीं देंगे। कोको पाउडर अच्छे से मिक्स हो गया है, अब हम इसमें 1/2 टेबल स्पून बटर डाल देंगे और इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को हम स्लो करेंगे और इसे हम 2 मिनट के लिए कुक करेंगे। बटर को इसमें मेल्ट हो जाने देते हैं और स्टर करते रहेंगे, जलने नहीं देंगे। 2 मिनट तक मैंने ये सॉस को कुक कर लिया है। अब मैं इसे टेस्ट करके देखी तो मुझे स्वीटनेस इसकी कम लग रही है, तो इसमें मैं और 2 टेबलस्पून चीनी ऐड कर रही हूँ और लो फ्लेम पे ही चीनी को मेल्ट होने तक हम इसे कुक करेंगे। और ये हमारा चीनी मेल्ट हो गई है, सॉस की कंसिस्टेंसी भी परफेक्ट है। अब हम फ्लेम को ऑफ करके ये सॉस को ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस के और। यहाँ पे मैंने लिया है कुछ ब्रेड स्लाइसेस, व्हाइट ब्रेड स्लाइसेस, आप ब्राउन ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। ये ब्रेड स्लाइसेस का हम एडजस्ट इस तरीके से काट कर निकाल लेंगे, या तो नाइफ से या तो कैंची से। हम ये एडजस्ट को काट करके साइड करेंगे और ये एडजस्ट को हमें फेंकनी नहीं है। आप इसे रोस्ट करके टी टाइम स्नैक्स के रूप में सर्व कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी होता है। ये एडजस्ट को हमने काट लिया है, अब हम एक एक ब्रेड स्लाइस को लेंगे। इसमें से आधे ब्रेड स्लाइस को हमें एक तरफ से राउंड शेप देना है। आप जैसे कि देख पा रहे हो, मैं एक कटोरी से कर रही हूँ। आपके पास अगर कटर है तो आप कटर से भी इसे काट सकते हैं। और कैंची से एडजस्ट को थोड़ा सा क्लीन कर लेंगे। मैं अभी अरेंज करके दिखाती हूँ कि मैं इस तरीके से एक क्यू काटी, तो आप देख सकते हैं जैसे कि ये हार्ट शेप आ गया। मुझे ये हार्ट शेप देना था, इसलिए मैं इस तरीके से इसको कट की। तो यहाँ पे ये सॉस में 1/2 टीस्पून जितना हम डाल देंगे वेनिला एक्सट्रैक्ट और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब चलिए केक को डेकोरेट करते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे एक रोटेट टेबल के जगह मैं ले रही हूँ एक बर्तन यानी कि टोप, और उसके ऊपर प्लेट रखी हूँ। इसके ऊपर ये कार्डबोर्ड रख के ये अरेंज कर रही हूँ। नीचे थोड़ा सा कार्डबोर्ड में क्रीम लगा लेंगे जिसके ये फिसलेंगे नहीं, और ऊपर से हम चॉकलेट सॉस को लगा लेंगे। जैसे कि हम केक के लेयर के ऊपर लगाते हैं शुगर सिरप, उसी तरीके से हमें इसमें चॉकलेट सॉस को अच्छे से लगा लेनी है, जिससे कि इसमें ये केक बनने के बाद पूरा केक का ही टेस्ट आए, या इसमें ब्रेड का टेस्ट आएगा ही नहीं आप अगर इस तरीके से बनाओगे तो। और पूरा पतला लेयर हमें व्हीप क्रीम की लगा लेनी है। ये व्हीप क्रीम की रेसिपी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उस वीडियो में मैं कही थी आप लोग से कि ये हमारा क्रीम इतना बच गया है तो इसको हम बाद में यूज़ करेंगे, उसी क्रीम को मैं आज यूज़ कर रही हूँ। वो केक 20 को मैं बनाई थी, मेरे बेटे का बर्थडे था, और उसी क्रीम को मैं आज यूज़ करते हुए ये केक को बना रही हूँ। तो यहाँ पे चॉकलेट सॉस लगा लेंगे, फिर ब्रेड स्लाइस रखेंगे, फिर सॉरी क्रीम लगाएंगे, फिर ब्रेड स्लाइस रखेंगे। सेम प्रोसेस को हम 5 बार दोहराएंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे 5 लेयर का केक बना रही हूँ। आप 3 लेयर्स का भी बना सकते हैं। तो इसी तरीके से हम फिर से इसके ऊपर ब्रेड स्लाइसेस को रख देंगे। देखिए इस तरीके से, और अच्छे से हम ये चॉकलेट सॉस को इसमें स्प्रेड कर लेंगे। और फिर से सेम प्रोसेस, क्रीम क्रीम की लेयर हमें पतला ही रखनी है, क्योंकि ब्रेड स्लाइसेस पतला होता है केक के लेयर के मुकाबले, तो इसीलिए हमें क्रीम की लेयर जो है पतला ही रखना है, वरना इसमें सिर्फ क्रीम का ही टेस्ट आएगा। इक्वल रखना है हम दोनों को। और अच्छे से ये क्रीम को लगा लेंगे, और टॉप लेयर पे हम चॉकलेट सॉस नहीं लगाएंगे, वरना क्रीम जो है होती है थोड़ी सी पतली हो जाती है, फिर हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। तो बस सेम प्रोसेस को मैं बार बार दोहरा रही हूँ, और इस तरीके से 5 से 6 लेयर के
हम ये केक को रेडी कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये केक को आप अगर बताओगे नहीं किसी को कि ब्रेड से बनी है, तो कोई नहीं जान पाएगा कि ये केक को ब्रेड से बनाया गया है। अब हम एक केक को लेयर अच्छे से हो गया है, साइड्स और टॉप लेयर पे हम अच्छे से क्रीम लगा करके कवर कर लेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कहीं कहीं जगह पे क्रीम जो है ब्राउन दिख रही है, इसीलिए कि मैं स्पैचुला सेम यूज़ कर रही हूँ। स्पैचुला में चॉकलेट सॉस ऑलरेडी लगा हुआ था, इसीलिए ये जो क्रीम है कहीं कहीं जगहों पे ब्राउन है। और इसे हम रफली अच्छे से लगा लेंगे पहले क्रीम को चारों तरफ, उसके बाद हम इसे प्लेन करेंगे। अगर गर्मी के सीजन में आप केक बना रहे हो, तो क्रीम को हमेशा बर्फ वाला बाउल के ऊपर रखें, ताकि आपकी क्रीम जो है मेल्ट नहीं होगी। तो ये मैं अच्छे से इसमें लगा ली हूँ क्रीम को, चारों तरफ से क्रीम को मैं कवर कर ली। और अब हम इसे प्लेन करेंगे। प्लेन करने के लिए हम स्पैचुला से थोड़ा थोड़ा इस तरीके से हम प्लेन करते जाएंगे, और इसे टिश्यू से पोंछ करके स्पैचुला को क्लीन करेंगे। उसके बाद ये केक के ऊपर लगाएंगे, ताकि हमारा जो केक का जो लेयर जो हमने क्रीम का लगाया है अच्छे से प्लेन हो जाए, दिखने में इवन दिखे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं स्पैचुला से इसे क्लीन कर रही हूँ, फिर इसे टिश्यू से पोंछ करके फिर इसे एक प्लेन लुक दे रही हूँ। उसके बाद हम जो साइड में क्रीम लगा था उसे टिश्यू से क्लीन कर लेंगे, टिश्यू पेपर से। और जो चॉकलेट सॉस हमने बनाया था उसी को हम टॉप पे इस तरीके से स्प्रेड करेंगे। हल्के से आप स्पून को घुमा सकते हैं, या फिर आप इसी तरीके से छोड़ दें, अपने आप स्प्रेड हो जाएगा। स्पून को हल्का सा ही घुमाए, वरना वो जो व्हाइट क्रीम हमने लगाया था इसके साथ मिक्स हो जाएगा। तो मैं साइड में थोड़ा थोड़ा एक एक ड्रॉप डाल रही हूँ, जिससे कि ये साइड में गिरेगा, दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं। आप केक के डेकोरेशन अपने क्रिएटिविटी के हिसाब से कर सकते हैं, जैसे आप पसंद करते हो। ऊपर से थोड़ा सा हम ये स्टार नोजल से ये जो क्रीम है एक एक स्टार बना लेंगे। ये मैंने बड़े वाले स्टार नोजल लिया है, और नीचे कॉर्नर पे भी इस तरीके से हम थोड़ा सा डिज़ाइन बना लेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। आप अलग नोजल भी यूज़ कर सकते हैं, अलग डिज़ाइन भी बना सकते हैं। और ये थोड़ा सा क्रीम बच गया है, जो हमारा थोड़ा सा क्रीम बच गया था उसमें रेड कलर डाल करके मैं अच्छे से मिक्स करके पाइपिंग बैग में रोज़ बनाने वाला नोज़ल ली हूँ, उसमें भर ली हूँ क्रीम को। और यहाँ पे जो हाथ में मैं घुमा रही हूँ, ये रोज़ बनाने के लिए यूज़ की जाती है, एक प्रकार की टूल है। तो ये बेकिंग के सामान जहाँ मिलता है वहीं मिल जाएगी। और ये हमारा रोज़ बन गया है। केक के ऊपर थोड़ा सा हम क्रीम डाल देंगे, और ये कैंची से उठाते हुए धीरे से हम ये रोज़ को केक के ऊपर सेट कर लेंगे। उसी तरीके से मैं थोड़ी सी ग्रीन कलर भी बना कर रखी हूँ। लीफ वाला नोज़ल लेकर के पाइपिंग बैग में ग्रीन वाले क्रीम को भर देंगे, और इस तरीके से लीव्स भी बना लेंगे। और यहाँ पे मेरे पास कुछ सिल्वर कलर के स्प्रिंकल्स है, ऊपर से हम ये स्प्रिंकल कर लेंगे। ये टोटली ऑप्शनल है जी। फ्रेंड्स, तैयार है हमारा ब्रेड से बनी हुई चॉकलेट केक। लग रहा है क्या ब्रेड से बनी है? नहीं ना, दिखने में भी यम्मी, खाने में भी यम्मी। ये बात क्यों बता रही हूँ, चलिए दिखाती हूँ। काट करके दिखा रही हूँ, ये कितनी स्पॉन्जी बनी है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक बात बताऊँ, आप अगर किसी को नहीं बताएंगे ना कि ये ब्रेड से बनी है, तो कोई नहीं जान पाएगा कि ये ब्रेड से बनी है, क्योंकि दिखने में नहीं पता चलता है, खाने में भी नहीं पता चलता है। मैं अभी काट कर दिखा रही हूँ, आपको पता चल रहा है कि ये ब्रेड से बनी है? नहीं ना, बहुत ही टेस्टी होता है। चलिए मैं टेस्ट भी कर लेती हूँ इसे, क्योंकि कंट्रोल तो नहीं हो रहा है। वाह, यम्मी, बहुत ही टेस्टी बनी है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। आपको अगर रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को कर दीजिए थम्स अप। फ्रेंड्स और फैमिली के साथ रेसिपी को शेयर करें। और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। फिर मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।